मैथन डैम में नहाने के दौरान युवक डूबा, हुई मौत। मैथन डैम में नहाने के दौरान कुमार धुबी ओवी क्षेत्र सिवलीबाड़ी पूर्व पंचायत मैथन मोड़ निवासी विशाल बंडवाल की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विशाल अपने दोस्तों के साथ मैथन डैम में नहाने पहुंचा था और नहाने के क्रम में विशाल 10 फीट गहरे पानी में चला गया, जबकि उसे तैरना नहीं आता था, जिसके कारण गहरे पानी से नहीं निकल पाया और डूबकर उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर आसपास के लोग डैम पहुंचे और गोताखोरों की मदद से शव को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बताया जाता है कि विशाल वर्णवाल मैथन केंद्रीय विद्यालय कक्षा 11वीं की छात्र हैं। पिता काशी वर्णवाल जो कि मैथन मोड़ निवासी हैं, जो प्रतिदिन मैथन डैम मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक कर अपने दोस्तों के गए थे। मॉर्निंग वॉक के बाद स्नान करने चला गया गहरे, जहां गहरे गड्ढे में पैर कीचड़ में फंस जाने से वह निकल नहीं पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वह अपने माता पिता का इकलौता संतान था एवं मृतक की 2 छोटी बहन है। मैथन थाना शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया में जुट गई है और पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विशाल कुमार बर्नवाल, उम्र 17 वर्ष है, पिता का नाम है काशी बर्नवाल, पता मैथन मोड़ कुमार डूबी रहने वाला है। ये सुबह 6 बजे के लगभग मैथन डैम नहाने के लिए गया था। इनको तैरने नहीं आता है और पत्थर से फिसल जाने के कारण, गड्ढा में चले जाने के कारण डूब गई, इसका मृत्यु हो गया। सूचना टेलीफोन द्वारा सूचना दिया गया, एक लड़का पानी में डूब गया। पानी में तो हम लोग बोट घाट वाला को बुलाए और उसी का लड़का लोग को जो गोताखोर है उन लोग से बोला गया कि देखिए, तो फिर उन लोग निकाला उसको। अभी पोस्टमार्टम के लिए धनबाद पीएमसीएच भेज दिए। आगे का क्या कराया? आगे आगे लिखित आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों द्वारा किसी पर? नहीं, कोई आरोप नहीं लगाया।